हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा इंडियन एस्थेटिक्स कोड 302। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट के बारे में, अपैया दीक्षिता जी के बारे में हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट के बारे में। ये इनके डिटेल थी स्टार्टिंग की, जो पिछली पीपीटी में मैंने करा दी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो वर्क है, वर्क्स जो हमारे स्टार्टिंग के हो गए हैं। नेक्स्ट अब हमारा इसमें वर्क्स है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। वह संस्कृत सीखने की हर शाखा में अच्छी तरह से पढ़ा जाता था, है ना। यानी कि उन्होंने संस्कृत सीखने की हर शाखा में, यानी उन्होंने संस्कृत को हर शाखा में अच्छी तरह से सीखा है और पढ़ा है। ठीक है, और कई काम करता था, मतलब वो इसके साथ साथ और भी कई काम करते थे इसको सीखने के साथ साथ, बड़े भी और छोटे भी, है ना, बड़े और छोटे। ठीक है, तो मतलब वह संस्कृत सीखने की हर शाखा में अच्छी तरह से पढ़ा जाता था और कई काम करता था, बड़े और छोटे दोनों। हालांकि उनमें से केवल 60 ही अब बाहर है, यानी जो इन्होंने सीखे थे उनमें से जो 60 ही हैं वही अब केवल बाहर है। ठीक है, इनमें वेदांत और शिव, अद्वैत, मीमांसा, व्याकरण, काव्य ज्ञान, अलंकार और भक्ति काव्य शामिल है। भक्ति काव्य यानी डिवोशनल पोइट्री। ठीक है, वेदांत है हमारा, शिव अद्वैत है, मीमांसा कहते हैं आप, प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, परछाई भी कह सकते हैं, विचार भी कह सकते हैं, है ना, तो मतलब रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, और व्याकरण पोइट्री आपका, काव्य ज्ञान हो गया आपका, जो काव्य से रिलेटेड ज्ञान होता है वो है आपका, और अलंकार है आपका, और आपका भक्ति काव्य यानी डिवोशनल पोइट्री। ठीक है, ये भी आपका इसमें शामिल है। दृढ़ विश्वास से वह भगवान शिव की एक अद्वैत और सच्ची पूजा थी, यानी मतलब वो बहुत दृढ़ विश्वास करते थे उन पे, मतलब शिव भक्त की वो पूजा जो है वो भी उनकी सच्ची थी और वो काफ़ी विश्वास से करते थे शिव की। ठीक है, उनके दिल का धर्म था, उनके दिल का, हार्ट का वो धर्म था, इसी वजह से शिव दविता या अद्वैत के प्रति अधिक झुकाव, यानी शिव के प्रति और अद्वैत के प्रति अधिक झुकाव। ठीक है, शिवा द्वारा ली गई विष्णु की भूमिका को छोड़कर शिवा नुवाहिता रामानुज की विशेषता देव के समान, यानी शिव दविता या अद्वैत के प्रति इनका अधिक झुकाव था। इसमें शिवा द्वारा ली गई विष्णु की भूमिका को छोड़कर शिवानुवाहिता रामानुज की विशिष्ट देव के समान। ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट है, उन्होंने ब्रह्मा सूत्रों की व्याख्या के चार प्रमुख विद्यालयों के दार्शनिक विचारों का वर्णन करने के लिए चतुर माता सारा लिखा, है ना। यानी ब्रह्मा सूत्रों की जो व्याख्या थी, उन्होंने ब्रह्मा सूत्रों की व्याख्या के चार प्रमुख विद्यालय जो थे, चार प्रमुख विद्यालयों के दार्शनिक विचार का, उनके दार्शनिक विचारों का वर्णन करने के लिए चतुर्मारा सारा लिखा था। नया मंजरी अद्वैत के साथ व्यवहार करती है, जो नया मंजरी है वो अद्वैत के साथ व्यवहार करती है। श्रीकांत माता के साथ
नया मणिमाला, रामानुज के दर्शन के साथ नैया मल्लिका, और माधव के दर्शन के लिए नए मुक्तावली। ठीक है, तो इन्होंने बताया है किसके साथ क्या रहेगा कि नया मंजरी अद्वैत के साथ व्यवहार करती है, और श्रीकांत माता के साथ नया मणिमाला, और रामानुज के दर्शन के साथ नैया मयूक मल्लिका, और माधव के दर्शन के लिए नए मुक्तावली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें टॉपिक मल्टी फेस्ड वेदांता यानी बहुआयामी वेदांत। ठीक है, मल्टी फेस्ड वेदांता यानी बहुआयामी। मल्टी फेस्ड वैसे तो फेस्टेड अलग भी होता है, पर यहाँ पे जो आपका मीनिंग लगेगा वो बहुआयामी लगेगा। ठीक है, तो अपैया दीक्षित के वेदांतिक कार्यों में सिद्धांत सिद्ध श्रृंगार सबसे प्रसिद्ध है, है ना। जो अपैया दीक्षित के वेदांतिक कार्य थे उनमें सिद्धांत सिद्ध श्रृंगार सबसे अधिक है। जो सिद्धांत सिद्ध श्रृंगार था वो सबसे ज़्यादा अधिक प्रसिद्ध है उनमें। इस विस्तृत और मूल ग्रंथ में, इस मतलब विस्तृत और बड़े और मूल ग्रंथ में वह एक जगह पर एक साथ लाता है, मतलब वो एक जगह पर एक साथ लाया जाता है सभी अलग अलग द्वैतांतक सोच जो कि अद्वैत स्कूल से संबंधित हैं। यानी जो सभी अलग अलग के जो द्वैतांतक सोच है जो कि अद्वैत, वे अद्वैत स्कूल से संबंधित हैं। वेदांत के पारंपरिक छात्रों ने इस सिद्धांत लेशा संस्कार का अध्ययन करने के बाद ही वेदांतिक टिप्पणियों का अध्ययन शुरू किया। यानी जो वेदांत के जो पारंपरिक छात्र थे उन्होंने इस सिद्धांत लेशा संस्कार से उनका अध्ययन करने के बाद ही वेदांतिक टिप्पणियों का अध्ययन शुरू किया। ठीक है, अद्वैत के अलग अलग उप समुच्चय के सभी अलग अलग विचार, जैसे एक जीवा बड़ा, नाना जीवा बड़ा, बिंब प्रतिबिंबा बड़ा, रक्षावदा आदि सभी पर चर्चा की जाती है। ठीक है, मतलब जो वेदांत के पारंपरिक छात्र थे उन्होंने पारंपरिक छात्रों ने इस सिद्धांत लेशा संस्कार का अध्ययन करने, मतलब इस सिद्धांत लेशा संस्कार का अध्ययन करने के बाद ही उन्होंने वेदांतिक टिप्पणियों का अध्ययन शुरू किया था। ठीक है, अद्वैत के अलग अलग उप समुच्चय के सभी अलग अलग विचार, जैसे एक जीवन बड़ा, नाना जीवन बड़ा, ये सब नाम ही है, बिंब प्रतिबिंबा बड़ा, रक्षा वदा आदि सभी पर चर्चा की जाती है। यानी इन सब पर इन्होंने चर्चा की थी। ठीक है, तो इसमें आपका इतना ही आएगा वर्क में, एक एक टॉपिक आप पैराग्राफ कवर करते चलो, उससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी जो डिस्कशन है वो हमारा वीडियो में चलता रहेगा, आप अच्छे से रीड कर ले और पढ़ ले। मल्टी फेसेस में अभी आगे भी है, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रहेगा इसमें टॉपिक में, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे कल डिस्कस करेंगे।